कुशीनगर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि परसौनी खुर्द गांव में 9 अगस्त को एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला था। कुबेर स्थान पुलिस को सूचना मिली कि वो मौके पर पहुंचे और इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान राम आशीष के रूप में हुई, जो कबाड़ का काम करता था। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, अब लाखों का कर्ज उसके सिर पर था और वो शराब का आदी हो चुका था। पुलिस शुरू में हत्या की वजह और संभावित आरोपियों का पता लगाने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस को मृतक की पत्नी सुशीला देवी पर शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने राम आशीष की पत्नी सुशीला देवी से जब कड़ाई से पूछताछ की तो पत्नी ने हत्या की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त की बात को दोनों के बीच इसी विषय पर झगड़ा हुआ था। इस दौरान सुशीला ने पहले लोहे की रॉड से अपने पति पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई, लेकिन जब राम आशीष की मौत नहीं हुई तो उसने प्लास्टिक के पाइप से उसका गला घूर दिया। बहरहाल पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए सभी हथियारों को बरामद कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। कुशीनगर में 2 दिवस पूर्व एक व्यक्ति राम आशीष मधेशिया, इनका शव प्राप्त हुआ था और इसमें जो है जांच में मर्डर की बात निकल कर आई। इस घटना का अनावरण करा लिया गया है और इस घटना में इनकी जो पत्नी थी सुशीला देही देवी, जिन्होंने मुकदमा लिखवाया था, वो खुद ही वो अभियुक्त निकली है। और इसमें घटनाक्रम इस प्रकार है कि राम आशीष मधेशिया जो मृतक है और उसकी पत्नी, उनमें अक्सर मारपीट कहा सुनी हुआ करती थी, पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर एवं जो इसमें मृतक है उसके शराब पीने की आदत को लेकर इन दोनों के बीच में कहा सुनी होती थी। 9:10 की रात में भी कहा सुनी हुई, मारपीट हुई और इसमें सुशीला देवी के द्वारा लोहे की रॉड से जो मृतक है उसको पीटा गया और उसके बाद पाइप के से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कारित कर दी गई। इस घटना का अनावरण शीघ्र कराकर अभियुक्ता सुशीला देवी की गिरफ्तारी कर ली गई है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है।